भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। मनोज तिवारी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश किया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मनोज तिवारी के पास कुल कितनी संपत्ति है। बैंक बैलेंस की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी के खाते में कुल 8,62,00,000 रुपए जमा है। कैश के तौर पर मनोज तिवारी के पास 2,36,000 रुपए मौजूद है। मनोज तिवारी ने कुल 11,50,000 रुपए निवेश कर रखा है। मनोज तिवारी के पास 5 वाहन है जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 19,50,000 रुपए के आसपास है। जेवरात की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी के पास कुल 11,65,000 रुपए के जेवरात मौजूद हैं। मनोज तिवारी के पास 25,00,000 रुपए की अन्य कीमती वस्तुएं भी मौजूद हैं। चल संपत्ति की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी की कुल चल संपत्ति 10,50,00,000 रुपए के आसपास है। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी के पास कुल 17,52,00,000 रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है। अपने चुनावी हलफनामे में मनोज तिवारी ने पत्नी सुरभि तिवारी की संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा पेश किया है। बैंक बैलेंस की अगर बात की जाए तो सुरभि तिवारी के खाते में कुल 17,72,000 रुपए जमा है। कैश के तौर पर सुरभि तिवारी के पास 1,11,000 रुपए मौजूद है। सुरभि तिवारी ने कुल 48,32,000 रुपए निवेश कर रखा है। सुरभि तिवारी के पास 3 वाहन है जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 30,38,000 रुपए के आसपास है। आभूषण की अगर बात की जाए तो सुरभि तिवारी के पास कुल 19,70,000 रुपए के आभूषण मौजूद हैं। 5,00,000 रुपए के अन्य कीमती वस्तुएं भी मौजूद हैं। सुरभि तिवारी की कुल चल संपत्ति 1,21,00,000 रुपए के आसपास है। सुरभि तिवारी के पास 3,50,00,000 रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है।